नई दिल्ली, भारत, 12 अक्टूबर एएनआई अभिनेता अक्षय कुमार को हाल ही में फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू में देखा गया था, जहां उन्होंने वास्तविक जीवन के गुमनाम नायक जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभाई थी। मिशन रानीगंज उन 71 खनिकों के बारे में है जो कोयला खदान में 350 फीट नीचे फंसे हुए थे, और यह सरदार जसवंत सिंह गिल थे जो एक इंजीनियर थे और उस समय वही थे। फ्रांस और ब्रिटेन से भी कुछ लोग आए। उन सभी ने कहा कि उन्हें बाहर निकालना असंभव है, वे मर चुके हैं क्योंकि नीचे लगभग ट्रिलियन गैलन पानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ था, अक्षय कुमार ने एएनआई को बताया। उन्होंने आगे कहा, फिर वहाँ एक आदमी आता है जो फैसला करता है कि मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि मौत निश्चित है, फिर भी वह खुद नीचे गया और उन्हें एक एक करके बाहर निकाला और खुद भी आखिरी बार आया। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं होगी, लेकिन मैं आपको आसानी से बता सकता हूं कि यह मेरे करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। ये मेरी सबसे बेहतरीन, सबसे ईमानदार, सबसे सच्ची और सबसे अच्छी फिल्म है। मेरे लिए जो बात मायने रखती है वह यह है कि मैंने एक ईमानदार फिल्म बनाई है। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की मुख्य भूमिका वाली मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तीनू सुरेश देसाई द्वारा निर्देशित यह वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख और अजय कपूर द्वारा निर्मित है। यह फिल्म दिवंगत जसवंत सिंह गिल के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है, जिन्होंने भारत के पहले सफल कोयला खदान बचाव मिशन का नेतृत्व किया था। अक्षय ने इससे पहले क्राइम थ्रिलर रुस्तम के लिए निर्देशक तीनू सुरेश देसाई के साथ काम किया था। परिणीति चोपड़ा फिल्म में मुख्य महिला भूमिका निभाएंगी। इस बीच अक्षय तमिल नाटक सोरारई पोटरू के हिंदी रीमेक में भी दिखाई देंगे, जो 16 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके पास टाइगर श्रॉफ के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और एक कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 फीट भी है। दोस्तों, आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से और एक नया वीडियो के साथ।